हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त चल रही बच्चों? तो बेटा, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। तो बच्चों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सारे वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन लीनियर एल्जबरा। तो बच्चों, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। लीनियर एल्जबरा की अलग अलग प्लेलिस्ट है। बेसिस एंड डायमेंशन अलग प्लेलिस्ट में जा रहा है, वेक्टर स्पेस अलग प्लेलिस्ट में जा रहा है, ग्रुप थ्योरी है, रियल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, टॉपोलॉजी है, टेंशन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। जो भी कुछ आपको चाहिए है, बस आप टाइप करिए, सर्च करिए, लिखिए रियल एनालिसिस बाय एच डी सर आ जाएगा, लिखिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बाय एच डी सर आ जाएगा, लिखिए टॉपोलॉजी बाय एच डी सर आ जाएगा। 11, 12 IIT लेवल का बेटा सिलेबस भी IIT JEE की जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्योंकि तो बहुत से बच्चे TGT PGT एग्जाम देते हैं, तो बेटा उसमें 11, 12 की चीज़ें भी आती हैं। जैम में भी जैसे बच्चे जैम एग्जाम देते हैं उसमें बेटा 11, 12 की चीज़ें आती हैं। गेट एग्जाम बच्चे देते हैं उसमें भी 11, 12 की चीज़ें आती हैं। तो जो भी आपके 11, 12 के टॉपिक हैं वो भी मैंने अच्छे से अपलोड किया हुआ है IIT लेवल से। खासतौर पर कैलकुलस वगैरह मैंने बहुत अच्छे से बेटा अपलोड किया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी बेटा आपको मिलेगा। टेंशन मत लेना, जो भी चाहिए बस सर्चिंग पे जाके लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी बाय HD सर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हम लोग बेटा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ये पिछले वीडियो का यहाँ लिखा हुआ है, इसको मिटा करके हम लोग अगले वीडियो की बेटा स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं बेटा और अगले वीडियो को बेटा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पढ़ते रहना बच्चों, मस्त होकर पढ़ते रहना, टेंशन नहीं करना, एंजॉय करो बेटा पढ़ाई में। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह घर में करते रहो, फिजिकली फिट रहना बेटा बहुत जरूरी है। बीमारियों का दौर चल रहा है आजकल, तो इस बीमारियों के दौर में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बेटा करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहिए आप, है ना, घर पे ही करते रहिए, बाहर मत निकलिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेगा बीमारियों से बचा रहेगा। एक्सरसाइज जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं उनको बीमारियां घेर लेती है। चलिए बच्चों, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है। जैसे हमसे कहा गया कि फाइंड ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ निकालना है और एफ जो है वो आर क्यूब से आर फोर तक है। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज ये दी गई है हुज इमेज इज जनरेटेड बाय, हुज इमेज इज जनरेटेड बाय 1 -1 2, 3 एंड 2, 3 -1 एंड 0। देखो ध्यान दो, इस टाइप की लैंग्वेज हमें बेटा क्वेश्चन में अगर कभी भी दी जाए, जैसे यहां पर देखो दी गई है, हमें f निकालना है, हमें लीनियर f जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा दिया गया है, और हमको बताया गया है कि जो f की इमेज है वो इनसे जेनरेट होती है। मतलब ये जो है वो f की इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है, रेंज, है ना भाई, इमेज का मतलब ही होता है। जैसे कि आपने कहा कि भाई एक अल्फा है और अल्फा मान लीजिए आर क्यूब में है, अल्फा मान लीजिए डोमेन में आपने लिया, तो अगर आप एफ ऑफ अल्फा निकालेंगे तो ये अल्फा की इमेज हो गई, है ना, एफ ऑफ अल्फा क्या हो गया, अल्फा की इमेज हो गई। और इस प्रकार के जितने अल्फा होंगे, और भी कई अल्फा हो सकते हैं भाई, आर क्यूब में बहुत से टर्म हो सकते हैं, तो इस प्रकार की जितनी भी इमेजेस आएंगी उन सबके सेट को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो देखो यहां पर ध्यान देना, मतलब जो इमेज है वो इससे जनरेट होती, इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते थे कि रेंज स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस, ध्यान रखना ऐसा भी लिख सकते हैं, रेंज या रेंज स्पेस एक ही बात है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेंज स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि दीज टू सेट्स स्पैन द रेंज स्पेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये मिलके रेंज स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, मतलब रेंज स्पेस का हर एक टर्म इनके टर्म में लिखा जाएगा, मतलब वही है, स्पैन का मतलब ये हुआ। ऐसा भी कह सकते हैं कि हुज इमेज इज स्पैंड बाय दीज टू टर्म, कई लैंग्वेज यहां लिखी जा सकती है ना, एक तो लैंग्वेज यहां आपके सामने लिखी है। ऐसा भी कह सकते हैं
कि रेंज स्पेस इज स्पैंड बाय दीज टू टर्म, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दीज टू टर्म स्पेंस द रेंज स्पेस, ऐसा भी कह सकते हैं। कई लैंग्वेज यहां पर लिखी जा सकती है। देखो अब यहां पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया था बेटा कि जैसे जो ये डोमेन है, डोमेन आर क्यू है, तो इसके स्टैंडर्ड बेसिस ये होते हैं, 100 होगा और दूसरा क्या होगा 0,1,0 होगा और तीसरा E3 क्या होगा 0,0,1 होगा। तो ये बेटा E1, E2, E3 जो है ना, ये इसकी डोमेन के स्टैंडर्ड बेसिस है, है ना। तो क्या होता है जब हम E1, E2, E3 पर F की इमेज निकालेंगे तो मिलेगा FE1, FE2 और FE3। E1, E2, E3 पर F की इमेज ये मिलेगी। और मैंने बताया था ये तीनों जो होते हैं ये हमेशा रेंज स्पेस को स्पैन करते हैं, मतलब इन तीनों से रेंज स्पेस जनरेट हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था, है ना। मतलब दीज थ्री जनरेट्स द रेंज स्पेस, जनरेट द रेंज स्पेस कह लो या इमेज कह लो, एक ही बात है, है ना। दीज थ्री, ऑल दीज थ्री, ये ऐसे हमने आप क्वेश्चन भी कई सारे कराए थे, जैसे जब भी हमें रेंज स्पेस निकालना होता था तो हम लोग इसकी हेल्प से कई सारे क्वेश्चन किया करते थे। पुराने वीडियो बेटा सारे देखिए, बहुत अच्छा होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्टिंग से पढ़िए, और भी बहुत अच्छा होगा कि वेक्टर स्पेस की अलग प्लेलिस्ट है, वेक्टर स्पेस को पढ़िए, फिर बेसिस एंड डायमेंशन को पढ़िए, फिर आप इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे आएंगे तो लाइफ मस्त हो जाएगी, बहुत मजा आने वाला है बेटा, ठीक है। तो दीज थ्री जनरेट्स द रेंज स्पेस। अच्छा अब देखो, तो इसका मतलब ये जो FE1, FE2, FE3 है, इन्हीं की वैल्यू ये होनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तीनों रेंज स्पेस को जनरेट करते हैं। और इसने कहा कि नहीं, ये दोनों जनरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में से कोई दो ये होंगे, कन्फर्म है, कोई भी दो मान लो। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि मान लो FE1 ये है, मान लो मैंने कहा कि FE1 जो है वो ये है, क्या है बोलो, 1-1, 2 और 3, और मान लो FE2 ये है क्या, 2-3-1-0। अच्छा देखो, तीसरा FE3 नहीं दिया गया है तो हम ऐसे में एक काम करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, उसको 0-0-0-0 मान लेते हैं, ये ध्यान रखना भाई, ये दोनों ही दिए गए, ये दोनों जनरेट करते हैं और हमको मालूम है ये तीन जनरेट करते हैं, तो दो तो दिए गए हैं, दो मान लिए, तीसरा नहीं दिया गया, उसको फिर हम 0-0-0-0 हमेशा मान लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखो, अब हमें F चाहिए, तो देखो मैंने तरीका क्या बताया था बच्चों कि जैसे यहाँ पर F चाहिए, तो F को निकालने के दो तरीके हुआ करते थे, आपको याद है। तो एक तरीका तो ये होता था, जैसे यहाँ पर देखो ये R क्यूब है, तो हम F ऐसे मान लेते थे, F(x, y, z), इधर R की पावर 4 है तो 4 टर्म मानने पड़ेंगे भाई, इधर R की पावर 3 है देखो 3 टर्म माने, इधर R की पावर 4 देखो क्या होगा, जैसे एक तो ये मान लो a1x b1y c1z, एक ये मान लिया कॉमा, अगला ये मानो a2x b2y c2z, फिर 4 मानने हैं, फिर कॉमा, अगला ये मानो a3x b3y और c3z, फिर कॉमा a4x b4y और c4z, ऐसे देखो हमको यहाँ पर 4 टर्म मान करके चलने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर R की पावर 4 है एक्चुअली। तो अब देखो प्रॉब्लम ये है, हम इनका यूज करें, जैसे FE1 की वैल्यू निकालें, E1 का मतलब ये हो गया, और हम इन सब की वैल्यू निकालें, A1, B1, C1, A2, देखो यहाँ पर 3, 3, 6, 9, 12 कांस्टेंट है, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, ये देखो यहाँ पर 12 कांस्टेंट है, 12 कांस्टेंट की वैल्यू बेटा हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, जो मुश्किल काम हो जाएगा, हालांकि निकल आएगी भाई। देखो FE1 का मतलब क्या, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो लिखा है ये क्या है, ये है 1-0-0, E1 की वैल्यू ये, और ऐसे ये है 1-1-2-3, तो F ऑफ दिस यहां से निकालो, X की जगह 1, YZ 0-0 पुट करो इन सभी में, देखो क्या आता है, तो उससे आपको A1, B1, C1 इन सब का यूज करेंगे, तो उससे आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4 की वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन जो एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि 12-12 कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो देखो अब यहाँ पर इस मेथड को ना अप्लाई करके हम लोग दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, है ना, दो मेथड मैंने बताए थे, अब ये मेथड यहाँ पर लेंदी होगा,
जैसे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाना होता है तो ये मेथड इजी होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। देखो दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, दूसरा मेथड देखो बेटा मैंने ये बताया था, इसको लिखो जरा ध्यान से। देखो हम लोग सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, इस मेथड को ड्रॉप कर रहे हैं। देखो दूसरा मेथड बेटा देखो मैंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए x, y, z है, ये आप r क्यूब में मान लीजिए, इस टर्म को आपने r क्यूब में मान लिया, r क्यूब में होगा ही, मान क्या लिया, होगा ही r क्यूब में, ठीक है। अच्छा r क्यूब का जो बेसिस है वो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप x, y, z को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x e1 + y e2 + z e3, ऐसे आप हमेशा इसको लिख पाएंगे। देखो लिख पा रहे हैं कि नहीं, देखो चेक करो, जैसे x e1, तो x e1 का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ, प्लस क्या हुआ y e2 का मतलब क्या हुआ, 010 हुआ। फिर देखो ध्यान दो, z e3 का मतलब क्या हुआ, प्लस z 001 हुआ। अब देखो ये मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या होगा, x 0 0, यहाँ क्या हुआ 0 y 0, और यह क्या हुआ 0 0, और z हुआ। अब सबको ऐड करो तो क्या होगा, फर्स्ट 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 ऐड होगा तो x आएगा, सेकेंड 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 ऐड होगा तो y आएगा, थर्ड 0 0, z ऐड होगा तो z आएगा। देखो वही चीज आ गई, मतलब x y z को आप ऐसे लिख सकते हैं, बात समझे ना हमेशा। और ये तरीका मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, ये तरीका मैंने बताया था आपको पहले भी। देखो अब क्या होगा, अब हमें f चाहिए, तो जैसे हम क्या करेंगे, देखो f दोनों तरफ ऑपरेट कर दो, f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, f ऑफ दिस x e1 y e2 + z e3। अब चूंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात क्या होगी, f अंदर जाएगा x बाहर आ जाएगा, f e1 लिख सकते हैं, फिर क्या होगा y f e2 लिख सकते हैं, फिर क्या होगा z f e3 लिख सकते हैं, ऐसे होगा। देखो f e1 क्या है, f e1 की देखो वैल्यू ये है तो 1 - 1 2 3, और y f e2 क्या है, देखो f e2 की वैल्यू ये है 2 3 - 1 0, और z f e3 क्या है, देखो f e3 की वैल्यू ये है 0 0 0 और 0, f e1 f e2 और f e3, है ना। तो f e1 f e2 f e3 की देखो वैल्यू हमने यहां पर रखी है ना, वही हमें चाहिए था। हम ध्यान रखना f e3 को हमेशा हमने 0 0 0 0 मान लिया, ऐसा हमेशा करेंगे, ये बात यहां पर बच्चों ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। देखो ध्यान दो, अच्छा अब यहां से हमें f की वैल्यू मिल जाएगी, देखो कैसे आसान है। इसके बाद देखो जैसे x को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, x - x 2x 3x, y को मल्टीप्लाई करो तो 2y 3y - y 0, और z को अंदर मल्टीप्लाई करो तो सारे 0 0 0 और 0। अब देखो सबको ऐड करो, फर्स्ट 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 ऐड करो तो क्या हुआ x + 2y, सेकेंड 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 ऐड करो तो -x + 3y, थर्ड 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 को ऐड करो तो 2x - y, फोर्थ 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 को ऐड करो तो 3x। देखो ये आ गया, यही हमें चाहिए था क्या, f(x, y, z) हमें चाहिए था। देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों यहां से निकल के आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों यहां पर आंसर भी हो गया, बस समझे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा नल स्पेस कैसे निकालना है, रैंक कैसे निकालना है, ये सब तरीके मैंने बताए थे आपको निकालने के, है ना। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग टाइप की थी, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, जिससे हमारी क्वेश्चन की हर टाइप की प्रैक्टिस हो जाए, कहने का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो लीनियर स्पेन अपना देखो क्या कहते हैं, रैंक कैसे निकालते हैं, नलिटी कैसे निकालते हैं, रेंज स्पेस कैसे निकालते हैं, नल स्पेस कैसे निकालते हैं, इसके सब के क्वेश्चन बेटा मैं करा चुका हूँ, स्टार्टिंग से पढ़िए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में भी, और नेट एग्जाम वगैरह जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और अगर ये सिलेबस में है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना।
चलिए इसको लिखो बच्चों। एक क्वेश्चन देखो हम लोग इस टाइप का और कर ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन की हमारी देखो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लिखो बच्चों जल्दी से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, देखो बुरे बच्चों का खेल, सीखो सबक जानो। देखो अच्छा क्वेश्चन और करना है। डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली, ये सब देखो लैंग्वेज। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है क्लियरली फाइंड करो, है ना। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, कि क्लियरली उसकी वैल्यू निकालो। डिस्क्राइब एक्सप्लिसिटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V2R to V3R। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बच्चों V2R से लेकर के V3R तक है ना। V2R का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, R स्क्वायर R मैंने बताया था, मतलब R स्क्वायर वेक्टर है और R फील्ड है। V3R का मतलब क्या होता है, R क्यूब R, तो R क्यूब वेक्टर है और R क्या है बोलो, फील्ड है। तो V2R से लेकर के V3R तक, सॉरी दोनों ही V3 है, दोनों ही V3 करो, V3R से लेकर के V3R तक। और देखो क्या दिया गया, दिया ये है कि रेंज स्पेस इज स्पैंड बाय, रेंज स्पेस इज स्पैंड बाय 10-1 एंड 122, है ना। मतलब ये दोनों मिलकर के रेंज स्पेस को स्पैंड करते हैं, 10-1 एंड 122, ये दोनों मिलकर के बेटा रेंज स्पेस को स्पैंड करते हैं। देखो वही लैंग्वेज फिर से जो भी हमने इससे पहले की थी, देखो ध्यान दो। अब हम वही सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा लंबा होता है जिसमें हम कुछ मानते हैं, क्योंकि यहां पर देखो R3 से R3 जाना है हमको, तो वही चीज है। देखो अब यहां पर चूंकि ये R3 है, मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, R3 से लेकर के R3 तक है, है ना। तो इसका जो हो गया वो क्या हो गया, बेसिस E1 का मतलब 100, दूसरा हो गया E2 010 और तीसरा क्या हो गया E3 यानी कि 001, ये इसका अपना बेसिस हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट यहां पर मान लें, है ना, अगर हम लोग एक पॉइंट x, y, z R3 में मान लें, तो मैंने बताया था कि x, y, z को हम ऐसे लिख सकते हैं XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3। अभी मैंने ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि आखिर हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, आसान है इसके बाद, समझे। अब देखो टी ऑफ क्या हो गया, x, y, z हो गया, टी इधर भी आ जाएगा, XE1 YE2 प्लस ZE3। अब देखो ये क्या हुआ, XT(E1) प्लस YT(E2) और प्लस ZT(E3) ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैंने बताया बेटा आपको, इजी है काफी। अब देखो चूंकि ये इन दोनों से स्पैन होता है, और स्पैन होना किससे चाहिए, स्पैन होना चाहिए TE1 और TE2 और TE3 से, इन तीनों से स्पैन होना चाहिए। तो इसका मतलब इन तीनों में से ही ये वैल्यू कोई ना कोई होंगी, हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि जो रेंज स्पेस है, जैसे कि इसका बेसिस जो भी है, उस बेसिस पर जो टी की वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज से हमेशा बेटा रेंज स्पेस स्पेंड होता है, मतलब उन वैल्यूज की हेल्प से आप रेंज स्पेस को हमेशा निकालते हैं, है ना। तो इसका मतलब TE1 TE2 TE3 की हेल्प से रेंज स्पेस आएगा। तो इसका मतलब TE1 की वैल्यू अगर मैं ये मान लेता हूं 10-1 और TE2 की वैल्यू अगर मैं ये मान लेता हूं 122 और TE3 नहीं दिया है तो इसको मैं मान लेता हूं 000, ऐसा मैंने मान लिया। और ये वैल्यू देखो यहां पर हम रखेंगे तो X into TE1 ये हो गया 10-1, Y into TE2 ये हो गया 122 और Z into T3 ये हो गया
जीरो जीरो और जीरो, देखो क्या हुआ, ये क्या हो गया x, जीरो माइनस एक्स, वाई टू वाई और टू वाई, और प्लस हो गया z को मल्टीप्लाई किया तो जीरो जीरो जीरो। अब फर्स्ट फर्स्ट सारे ऐड करो तो x प्लस वाई प्लस जीरो तो x प्लस वाई आ गया, सेकेंड सेकेंड ऐड करो जीरो प्लस टू वाई प्लस जीरो तो टू वाई आ गया, थर्ड थर्ड ऐड करो तो माइनस एक्स प्लस टू वाई आ गया। तो बच्चों देखो यहां से ये हमारा टी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की वैल्यू बेटा आ गई, है ना। ऐसे हमको देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा करने हैं, एक्स प्लस वाई टू वाई और माइनस एक्स प्लस टू वाई, मतलब ये आपका एक तरीका है बेटा जिससे कि हम लोग अपने टी को निकाल सकते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कि रेंज स्पेस इज स्पैंड बाय दिस, लैंग्वेज पे बेटा यहाँ पर जरा ध्यान देना है। इजी क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन किए भी हैं। तो बेटा मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपके हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि लीनियर आपको मतलब बुक की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जो मेरे वीडियो सारे देख लेते हैं, इससे नोट्स बना लेते हैं, तो आपको बुक की भी जरूरत नहीं है। जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा तब, जब मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद अगर आप बुक को भी नहीं देखोगे, इसके सीधे सीधे नोट्स बना लोगे, तब भी आपको सब कुछ आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।